कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर जनप्रतिनिधि अलग अलग प्रयास कर रहा है। ऐसे में एतमादपुर विधानसभा के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह एतमादपुर ग्रामीण क्षेत्र को सैनिटाइज कराकर इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके द्वारा एतमादपुर तहसील क्षेत्र में बरहन एवं आसपास के गांव सहित लगभग दर्जन भर गांवों को सैनिटाइज कराया गया, साथ ही लोगों को एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई। हमारा लक्ष्य बरहन पूरा बरहन का है और साथ में जो लगी हुई गांव में प्रयास करेंगे, समय जितना बचेगा। तो इसमें आपने कितने परसेंट वाला हाइपोक्लोराइड? 10% वाला हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे हैं और जो मानक है 20 लीटर पानी में 1 लीटर दवाई, वही हम मिलवा रहे हैं और सब जनता के सामने मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर कितने दिन तक रहेगा? इसका करीब 5 या 6 दिन। मेरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बरहन की सामान्य जनता को कि सभी लोग मिलकर बहुत सहयोग कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलकर करीब 7 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और पूरे बरहन में छिड़काव करने का काम। नगला देश बरहन में रहता हूँ। खाने के साथ सैनिटाइजर किया जा रहा है कस्बा बरहन में, किनके द्वारा किया जा रहा है और कहाँ कहाँ किया जा रहा है? ये हमारे माननीय पूर्व विधायक जी धर्मपाल सिंह चौहान के माध्यम से किया जा रहा है और पूर्व में भी कई गाँव करा चुके हैं। आज बरहन में पूरे क्षेत्र में ये कितने परसेंट वाला हाइपोक्लोराइड है इसमें? 10% वाला है। लगभग इसका असर कितने दिन तक रहता है? 7 दिन। इसके बाद में दोबारा कराया जाना चाहिए? दोबारा कराया जाना चाहिए। 7 ट्रैक्टर लगा रखे हैं आज के टाइम में, तो कई गांवों को